वेलकम टू आर&आर पाठशाला, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चूज द सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट। अबेंडेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, स्कार्स, प्लेंटीफुल, इनसफिशिएंट, मीगर। स्कार्स, प्लेंटीफुल, इनसफिशिएंट, मीगर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है किसी चीज का बड़ी मात्रा में होना, अबेंडेंट का मतलब भी वही होता है, तो दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। वही बात करें स्कार्स, इनसफिशिएंट और मीगर का, तो इनका मतलब होता है अर्थ कम या अपर्याप्त होता है, जो कि इनके विपरीत है या एंटोनिम्स हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का समानार्थी शब्द आपको बताना है, सिनोनिम बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, डिसेप्टिव, फ्रैंक, रिजर्व्ड, अनक्लियर। डिसेप्टिव, फ्रैंक, रिजर्व्ड, अनक्लियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों फ्रैंक। क्या हुआ फ्रैंक? देखिए कैंडिड का अर्थ होता है खुला और ईमानदार होना। इसका समानार्थी शब्द फ्रैंक है, जो भी साफ और स्पष्ट रूप से बोलने का अर्थ रखता है। फ्रैंक का मतलब भी साफ और स्पष्ट बोलने वाला, कैंडिड का मतलब भी खुला और ईमानदार होना। वहीं अगर हम डिसेप्टिव, अनक्लियर, ये विपरीत अर्थों को व्यक्त करते हैं, जबकि रिजर्व्ड जो है उसका मतलब होता है संकोची या कम बोलने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द सिनोनिम ऑफ एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का सिनोनिम बताना है यहां पर। ऑप्शन देख लीजिए, इग्नोर, हाईलाइट, नेग्लेक्ट, ओवरलुक। इग्नोर, हाईलाइट, नेग्लेक्ट, ओवरलुक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है, एम्फेसाइज का अर्थ है किसी चीज पर विशेष ध्यान देना, जोर देना। समानार्थी शब्द हाईलाइट है, जिसका मतलब भी सेम होता है, ध्यान केंद्रित करना। जबकि इग्नोर, नेग्लेक्ट और ओवरलुक ये इनके विपरीत है, जो ध्यान न देने या उपेक्षा करने का अर्थ व्यक्त करते हैं। मतलब तीनों का मतलब भी ये है कि किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, ध्यान न देना। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, चूज द सिनोनिम ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का सिनोनिम बताएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, डिस्टेंट, अनलाइकली, इमीडिएट, डिलेड। डिस्टेंट, अनलाइकली, इमीडिएट या डिलेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों इमीडिएट। इमीडिएट का जो अर्थ होता है, इमिनेंट का जो अर्थ होता है वो है जल्द ही होने वाला, इमिनेंट। इसका जो समानार्थी होगा वो इमीडिएट होगा। इमीडिएट का मतलब भी होता है तुरंत या बिना देरी के होना। बल्कि जो डिस्टेंट, डिलेड जो है वो इनके विपरीत, मतलब लेट करने के उसको बताते हैं। डिस्टेंट का मतलब भी वही है और डिलेड का मतलब। जबकि जो अनलाइकली है उसका मतलब होता है जो शायद न हो, जो शायद न हो। तो इमीडिएट इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द सिनोनिम ऑफ बेनिवलेंट। बेनिवलेंट का सिनोनिम बताएंगे। समानार्थी पद क्रूअल, काइंड, होस्टाइल या सेल्फिश। क्रूअल, काइंड, होस्टाइल या सेल्फिश। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है काइंड। बेनिवलेंट का जो अर्थ होता है वो है दयालु या भलाई करने वाला। उसी तरह काइंड का मतलब भी होता है दयालु या परोपकारी। वहीं बात करें क्रूअल, होस्टाइल का, जो कि दयालु से बिल्कुल विपरीत होते हैं, परोपकार न करने वाले होते हैं। और सेल्फिश का मतलब तो स्वार्थी होता ही है। तो इस तरह से जो काइंड है वो बेनिवलेंट का क्या होगा, समानार्थी, सिनोनिम होगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारे द्वारा बनाए हुए जितने भी वीडियोस हैं आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं रिसेंट में या इससे पहले, वहां से इन प्रश्नों को उठाकर आपके लिए लाए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो सीखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी जो आर&आर पाठशाला है, जहां पर हम लोग अभी फिलहाल पीजीटी, टीजीटी और नेट की तैयारी करवा रहे हैं इंग्लिश की, आपको सफिशिएंट जो है वहां पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी गई है, जिससे कि बच्चों पे किसी तरह का कोई बर्डन ना हो। तो बने रहिए इसी तरह। थैंक यू वेरी मच।